Myself, Kumar Ashutosh. I came here for the purpose of campus drive for Ananda Dairy. And यहाँ पे जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के थ्रू जो आप लोग ने कैंपस ऑर्गेनाइज़ करा है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आप लोग ने ऑर्गेनाइज़ कराया। इससे बहुत सारे ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे चल कर के इनका ही भला होगा लाइफ में। तो अभी मैं आनंदा डेयरी को के प्रोजेक्ट को लेकर के आया था, जो कि अभी हमारी वॉल्यूम हायरिंग चल रही है, बल्क हायरिंग चल रही है। तो जहाँ तक भी अभी तक मैंने इंटरव्यू लिया है, जो भी इंट्रैक्शन इन कैंडिडेट के साथ मेरी हुई है वो काफ़ी हद तक अच्छी रही है। तो कोशिश यही रही कि यहाँ से ज़्यादा मंदिर में लेके जाऊँ, सो डैट इनकी जो भी रिक्वायरमेंट इनकी फुलफ़िल हो जाए। अभी तक तो मैंने करीब 70-80 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि 50 कैंडिडेट्स तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाएंगे अंदर में। बाकी अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर फिर से अगर आप मुझे इनवाइट करते हो आगे चल करके, तो होप सो और भी बंदे निकलेंगे यहाँ से। कॉर्पोरेट से कनेक्शन इन द सेंस कि आज के टाइम में FMCG सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर केस में मिलती है, खासकर वैसे बंदे जो अनएम्प्लॉय हैं, फ्रेशर हैं, जिनको किसी भी फील्ड में कहीं का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनको आप एक स्किल देते हो, एक लेवल बना के देते हो, सो डैट कि जब वो इंटरव्यू में बंदे बैठते हैं तो उनको उनकी एक लेवल होती है, उनको कुछ नॉलेज होता है कि हाँ कंपनी में इस तरह की रिक्वायरमेंट आई है। तो जहाँ तक अभी मैंने बच्चे देखे हैं यहाँ के, सारे बंदे ऑनेस्ट हैं, सब काम को लेकर के एग्रेसिव है, काम करना चाहते हैं, उनको रिलोकेट होने में या इधर उधर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब करियर ओरिएंटेड है, सबको करियर बनाना है अपना। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहां से शॉर्टलिस्ट करके जाऊं यहां से, सो डैट आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए।